कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 10 शुरू हो गया है और इस शो के शुरू होते ही कंट्रोवर्सीज भी शुरू हो चुकी है। बिग बॉस की कंट्रोवर्सी हो और सलमान खान का नाम ना आए, ऐसा कभी हुआ है क्या? जी हाँ, बिग बॉस के पिछले कुछ सीजन में ये खबरें आती रही हैं कि रियलिटी शो में सलमान खान किसी न किसी कंटेस्टेंट को फेवर करते हैं। इसको लेकर काफी हंगामे भी हो चुके हैं। इस बार सुनने में आ रहा है कि सलमान बानी पर मेहरबान हुए हैं और वो उनकी ही सिफारिश से बिग बॉस के घर की मेहमान बनी है, जिसके चलते कई सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले भी खबरें आती रही हैं कि महक चहल, गौतम गुलाटी, अरमान कोहली उनके चॉइस थे। पिछले सीजन में मंदना करीमी उनकी पसंदीदा प्रतिभागी बन गई थी। इससे पहले वो एली को काफी प्रमोट करते आए हैं। नई खबर के मुताबिक इस सीजन में बानी उर्फ गुरबानी जज इस शो में सलमान की सिफारिश पर आई हैं। हालांकि वो सलमान से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बल्कि सलमान की क्लोज फ्रेंड डेजी शाह से बानी की बहुत अच्छी जमती है और सूत्र बता रहे हैं कि डेजी शाह के कहने पर ही सलमान खान ने बानी के नाम की सिफारिश की थी। अब ये तो तय है कि ना खुद सलमान और ना ही चैनल इस खबर की पुष्टि करेंगे, लेकिन अगर इस खबर में सच्चाई है तो निश्चित तौर पर सलमान की पूरी कोशिश होगी कि बानी शो में लंबे समय तक बनी रहे। फिलहाल वो अपने पहले एपिसोड में तेवर दिखा चुकी है और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर साबित हो सकती है। हालांकि कहा ये भी जाने लगा है कि सलमान की वजह से बानी शो में लंबे समय तक रहेंगी।